दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो 31 मार्च के बाद दोस्तों आपका पैन कार्ड जो है इनएक्टिव हो जाएगा। और इस रिलेटेड जो भी दोस्तों आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते थे वो बेनिफिट्स आप नहीं मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा कैसे आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ पेमेंट तक ही यहाँ पर प्रोसेस बताई जाती है, लेकिन उससे आगे क्या करना है, कैसे आप वैलिड कर सकते हैं, वो सारी प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं और एक एक स्टेप आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको यहां पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर जो चलान बना इसके लिए 1000 रुपये का, वहां तक वीडियो बनाई गई हैं। लेकिन अब भी आप चेक करोगे तो वहां पे आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा चलान भरने के बाद भी। लेकिन उसके बाद की जो प्रोसेस है वो किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों जब आप चलान भर दोगे 1000 रुपये का, उसके बाद भी दोस्तों आप जाओगे अगर यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट पर, तो यहाँ पे आपको जाना है यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस पे। और जैसे आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे दोस्तों आपको चेक कर लेना है यहाँ पे अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालकर यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आपको चल जाना है। जहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पैन नॉट लिंक आपको बता देगा कि अभी आपका पैन कार्ड जो है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया है। तो आपको इसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस जो आपको ब्लू कलर का लिखा हुआ आ रहा है उस पर आपको चले जाना है। और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है और वैलिड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि आपकी जो पेमेंट डिटेल है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, वेरीफाइड हो चुकी है। आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू कर दोगे तो यहाँ पे आपका पैन नंबर और यहाँ पे आधार नंबर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो आपका वैलिड आधार यहाँ पे नाम है आपका वो डाल देना है और जो भी आपका नंबर है दोस्तों मोबाइल नंबर वो नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर दोनों जो भी कंडीशन है उन पर टिक करके यहाँ पे लिंक आधार पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लिंक कर दोगे तो आपके नंबर पर जो है OTP आ जाएगी। उस OTP को दोस्तों यहाँ पे आपको वैलिड कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे वैलिड कर दोगे तो यहाँ पे आप देखते हो जो आपकी रिक्वेस्ट है अब दोस्तों जाके सेंड हुई है। उसके 4-5 दिन बाद जो है आप दोबारा से चेक करोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। ये जो है बिल्कुल फाइनल प्रोसेस है, तो इस चीज़ को आपको ज़रूर कर लेना है पेमेंट करने के बाद भी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा देना।